यार स्टूडेंट, आज हम फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़े थे, इसका ड्राइंग भी बनाए थे, उसके बाद इसका फॉर्मूला जो बनता है उस हम स्टडी किए थे। लेकिन आज हम फॉलिंग हेड में हम फॉलिंग हेड टेस्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट हेडिंग में लिखा है, आप लोग देख सकते हो। तो इन द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज ओनली सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब जो कांस्टेंट हेड होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल है, बट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए फॉलिंग हेड सूटेबल है। ये जो है फॉलिंग हेड टेस्ट का पूरा सेटअप है। तो चलिए देखो, इन दिस टेस्ट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन इन फिगर। ये फिगर में हमने शो किया है। आफ्टर सैचुरेशन एट एनी टाइम टी वन में द हेड ऑफ वाटर क्या है, T1 में आप देख लो, H1 है, हेड ऑफ वाटर H1, ठीक है, ये H1 होगा, H1, ठीक है। टाइम T1 में हेड H1 हो गया। एंड आफ्टर सम टाइम मतलब किस टाइम के बाद, यहाँ पे पानी तो अगर यहाँ तक लेवल में रहेगा तो कुछ टाइम बाद, तो ये इधर से जाने के बाद इधर लेवल डाउन होगा, तो कुछ टाइम के बाद टी टू टाइम में द हेड रिड्यूस, हेड कितना रिड्यूस हुआ, H2, ठीक है। हाँ, और भी देखते थे लेट से इन ए वेरी स्मॉल टाइम। ये तो T1 T2 में मान लेते स्मॉल टाइम, मतलब डी टी में द हेड ऑफ वाटर फॉल DH, मतलब स्मॉल टाइम में डी टी टाइम में कितना फॉल हुआ, ये DH, ठीक है, हमने ऐसे एग्जाम लिया है। मतलब ऑल्सो हेड एज जो है बी हेड ऑफ वाटर एट दिस, मतलब इस टाइम में जो भी डी टी टाइम में DH जो कम हुआ हेड, उसके बाद यहाँ का जो हेड है ये H है, यही कहा गया इसमें, स्टैंड है वाटर इज दिस टाइम, ठीक है। तो हमें अभी उसको कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लिखाएंगे। तो हमें पता क्या है, रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है। देयरफॉर रेट ऑफ डिस्चार्ज हमने पढ़ा था पहले भी, और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो पहले का वीडियो देख ले, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी होगा। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज हम Q = DH/DT टाइम में इंटू ए क्रोसेशन ने लिया, और माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस इसलिए लिया तो डिक्रीज हुआ। इसमें लिख देता हूँ तो आप लोग का आसान होगा, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, क्रोसेशनल एरिया ऑफ स्टर्न पाइप, ठीक है, स्टर्न पाइप। एंड माइनस साइन किस लिए यूज किया, साइन मींस एस टाइम इंक्रीज हेड डिक्रीज, माइनस इसलिए क्या हुआ, मतलब डिक्रीज, मतलब आपका देखो टाइम बढ़ेगा तो जो हेड है डिक्रीज होगा, इसलिए हमने माइनस साइन यूज़ किया। तो हमें पता है कि हमें पहले से पता क्या है, हमने पता क्या है अब देख लो एक मिनट, हमें पता है Q = हम एस पर डार्सी लो लिख सकते कि आइए, ये हमें पता है फॉर्मूला। तो और ये जो क्यू है ऐसे कैसे हुआ, क्रोसेशनल एरिया और आपका कितना हेड लॉस होता है उसका हम इसको रेट ऑफ डिस्चार्ज निकलते हैं। तो Q की जगह में हम KIA लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस ऑफ DH बाई
डीटी और ए लिख सकते हैं, तो इसको हम जो करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देख लो माइनस डी एस बाई, एक मिनट हम उसके बाद और लिखते हैं, देखो आपका डी एस ए डी टी हो, ये हो गया ये, उसके बाद के आई को हम क्या लिख सकते हैं, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियन हम लिख सकते हैं आपका एच बाई एल, मतलब हेड डिवाइड बाई सोयल सैंपल का जो लेंथ होता है कितने में, यह हमने पहले भी पढ़ा चुका है। अगर आपको इसको समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप जाके मेरा पहले का वीडियो देख सकते हो, तो आई किस लिए आया, यह आई एच बाई एल, तो आप देख सकते हो ठीक है। तो इस पे हम बैठा देते हैं आई का वैल्यू, के ए लिख सकते हैं, आई का वैल्यू है एच बाई एल इक्वल टू माइनस डी एच ए डिवाइड बाई डी टी, ए लिख सकते हैं। उसके बाद हम डी टी को इधर ले सकते हैं, जैसे इसको हम ए लिख सकते हैं, डी एच बाई एच को इधर लाते हैं, तो ये हो गया डी इक्वल टू के ए ए एल इंटू डी टी लिख सकते हैं। देख लो आप लोग भी नोट बनाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकते हैं मैं गलत लिख दूँ, तो आप लोग कमेंट कर देना अगर गलत लिख दिया। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको नाउ इंटीग्रेटिंग द एवोफ रिलेशन विद इन प्रॉपर लिमिट के साथ हम इंडिकेटिंग करेंगे। वी हैव देखो S1 से S2 करेंगे, S1 से S2 ठीक है। इसको लिखते हैं माइनस DS by H इज इक्वल टू, और इधर करेंगे टाइम के साथ इधर H से तो H के साथ किया T1 टू T2 के ए ए एल डी टी ठीक है। तो आपको लोग इंटीग्रेटिंग करना आता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ इसमें आपका, जब हम माइनस को हटा देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं उल्टा लिख करके लिख सकते हैं S2 बाई S1 लिख सकते हैं और DS बाई S लिख सकते हैं, और इसको कांस्टेंट को बाहर लाएंगे L, और इसका आपका एक मिनट नेक्स्ट में कर लेंगे, इसका हम लिख सकते हैं T1 T2 और DT लिख सकते हैं। तो जब इसका करेंगे हम, देखो इसका कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग ऑफ ई एच एच वन बाई एच टू जल के ए एल टी टी टू टी वन। उसके बाद इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, देखो डायरेक्ट लिख दो लॉग ऑफ ई एच वन बाई एच टू के ए एल T2 माइनस T1 जो लिमिट बैठा देंगे इसमें तो भी आएगा। तो लॉग ई को हम कन्वर्ट करेंगे 2.3 लॉग ऑफ 10 S1 बाई S2 के ए एल इंटू टी, तो इसमें लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद फॉर्मूला आएगा AL AT इंटू 2.3 लॉग ऑफ 10 S1 बाई S2। ये जो फॉर्मूला आया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है, ये प्रोबेबिलिटी है ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका कुछ दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक हो गया आपका क्वेश्चन हेड वाला और एक फॉलिंग हेड का, दो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे आपका फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखा रहेगा, सोयल सैंपल में सब कुछ दिया रहेगा, S1 S2 दिया रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम लास्ट वीडियो में ये फॉर्मूला यूज़ करके हम उस पर
सॉल्व करेंगे। और अगर इसमें कोई डाउट होता है ये इसमें समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल बना दूंगा। लेकिन इस पर अगर पूरा डिटेल मतलब एक के बाद एक लिखने जाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने ऐसे शॉर्टकट करके डायरेक्ट इसमें लिख दिया। आप लोग खुद कैलकुलेशन करके देखो, ये मैंने तो किया ये ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कैलकुलेशन। अगर कोई इसमें करेक्शन है तो आप कमेंट्स करिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।